हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कक्षा 7 से पाठ नंबर 8 व्यायाम पढ़ाने जा रही हूँ। ये आप सभी जानते होंगे व्यायाम के लाभ, तो इसके लाभ ही लाभ हैं अगर हम सही तरीके से करें तो आज हम इसमें जानेंगे कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, इन प्रत्ययों का क्या प्रयोग होता है। ये जो प्रत्यय दे रखे हैं कत्व, लेप व तुमन, वैसे मैंने इसकी स्पेशल वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कत्वा और लप दोनों का मीनिंग होता है करके। वर्तमान काल में धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं कत्वा एंड लप। धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन जिन धातुओं से पहले उपसर्ग लग जाए उसमें लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए संप्रदान कारक में यानी कि के लिए यूज किया जाता है। कत्वा में शेष क्या बचता है, त्वा, और लप में य, और तुमन में तुम। ठीक है, अगर आपकी आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है तो आप मेरे वीडियो पे जाइए, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं। अस्मिन संसारे प्राणिना मध्ये मानव है एव सर्वश्रेष्ठो अस्ति। इस संसार में प्राणियों के बीच में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। जीव ने सर्वेषां कार्याणां संपादने शरीरं प्रधानं साधनं अस्ति। जीवन में सभी कार्यों को करने के लिए शरीर सबसे पहला साधन है, तथा च उक्तम, और कहा भी गया है, शरीरं अद्यं खलु धर्म साधनं। निश्चय से शरीर ही धर्म साधना का माध्यम है। अतः जीवितुम शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते, इसलिए जीवन के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है। छात्रों अपि स्वस्थ शरीरम विना किंचित अपि अध्ययनम कर्तुम न शक्नोति। छात्र भी स्वस्थ शरीर के बिना कुछ भी अध्ययन करने में समर्थ नहीं होता। यदि आप बीमार हो तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को, हेडेक है इवन तो भी, हल्का सा पेट में दर्द है तो भी आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अतः वयम स्वास्थ्य लाभाय तत् रक्षितुम च सततम प्रयत्नशीलः भवेम। इसलिए हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए उसकी रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। रक्षितुम में रक्षा करने के लिए तुमन प्रत्यय, रक्ष जमा तुमन, शरीरम रक्षितुम जलम वायु प्रकाश है, भोजनम विश्राम है, व्यायामाश्च आवश्यक अस्ति। शरीर की रक्षा के लिए जल, वायु, प्रकाश, भोजन, विश्राम और व्यायाम आवश्यक है। सर्वेषाम आयु वर्गाणाम प्राणीनाम कृते व्यायाम आवश्यकता अस्ति। सभी आयु वर्गों के प्राणियों के लिए, यहाँ पे देखो कृते आ गया के लिए, प्राणियों के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। प्रतिदिनम प्रातः उत्थाय सर्वेषां जनानां यथा योग्यम अभिवादनम कृत्वा दैनिक क्रियाभ्य निवृत्त व्यायामं कर्तव्य। प्रतिदिन सुबह उठकर सभी लोगों को यथा योग्य नमस्कार करके दैनिक क्रियाओं से, जो आप डेली रूटीन के कार्य करते हो, उठ के ब्रश करना, वॉशरूम जाना, ठीक है, नहाना धोना, तो दैनिक नहाना धोना बाद में होगा, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्यायाम करना चाहिए। देखिए बच्चे यहाँ पे आ गए उत्त जमा स्था जमा लेप, लेप प्रत्यय आया इसलिए यहाँ पे य शेष बचा, ठीक है। उत्त जमा स्था जमा लेप, लेप में शेष क्या बचेगा, य, और आया कृत्वा, क्री जमा कत्वा प्रत्यय से, क्री और कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचा तो क्री एज इट इज लगेगा और त्वा जुड़ जाएगा तो ये बना कृत्वा, ठीक है। आगे देखते हैं व्यायाम से बहवः भेदः सन्ति, व्यायाम के अनेक भेद हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अनेक विद्या आसन प्रयोग है, दंडवत पत्नोत्थानम चक्रवत भ्रमणम प्रातः भ्रमणम धावनम च सूर्य नमस्कार इत्यादि तो मुख्य सन्ति। अनुलोम विलोम प्राणायाम अनेक विद्या आसन प्रयोग, दंडवत यानी कि उठक बैठक, पत्नोत्थानम उठक बैठक, चक्रवत भ्रमणम गोल गोल घूमना,
प्रातः भ्रमणम प्रातः काल का भ्रमण, धावनम छे और दौड़, सूर्य नमस्कार इत्यादि तो मुख्य है। व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति, व्यायाम से शरीर निरोग होता है। रक्त संचारश्च सुष्ठु संजायते, रक्त संचार ठीक से होता है। व्यायामेन रक्तस्य शुद्धि, मांसपेशीनां सुघटनम, शरीरस्य स्फूर्ति युक्तता, मस्तिष्कस्य विकासः च भवति। व्यायाम से रक्त की शुद्धि, मांसपेशियों का मजबूत होना, शरीर में स्फूर्ति होना या शरीर स्फूर्ति युक्त होना और मस्तिष्क का विकास होता है। शरीरम आकर्षकम दृश्यते, शरीर सुंदर दिखाई देता है। बहव्य क्रीडा व्यायामम अंतर्गतः भवन्ति, बहुत से खेल व्यायाम के अंतर्गत आते हैं या होते हैं। यथा जैसे हस्तकंदुक क्रीडनम वॉलीबॉल, पादकंदुक क्रीडनम फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। जननाम सर्वासाम श्रेणीनाम कृते व्यायामस्य पृथक पृथक आचरणम श्रेयस्करम, सभी लोगों की श्रेणियों के लिए व्यायाम के अलग अलग आचरण करना श्रेष्ठ है, यानी कि हमें एज के अकॉर्डिंग व्यायाम करना चाहिए। छात्र जीवन तु व्यायाम है परम आवश्यक है अस्ति, छात्र जीवन में तो व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, व्यायाम पुष्ट गात्रस्य, व्यायाम शरीर को पुष्ट करता है। तेजो बुद्धिर यशो बलम, तेज बुद्धि यश और बल प्रवर्धन्ते बढ़ते हैं, तेज बुद्धि यश और बल बढ़ते हैं। मनुष्यस्य तस्मात् व्यायाम आचरेत, इसलिए मनुष्य को इस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए। फिर से देखिए, व्यायाम शरीर को पुष्ट करता है, तेज बुद्धि यश और बल बढ़ते हैं, इसीलिए हम अपने आप से लगा रहे अन्वय में, अतएव ठीक है, इसलिए मनुष्य से तस्मात् व्यायाम आचरे, इसलिए मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चे ये चैप्टर हो गया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, एक्चुअली मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैंने पढ़ा दिया। देख लीजिए इनके वर्ड मीनिंग, ताकि आप आउट ऑफ स्टेशन है तो एटलीस्ट आप इन वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मैं अभी आपको समय समय पर बताऊंगी, पूरा चैप्टर ही हमारा प्रत्यय का है, काफी प्रत्यय आपको यहीं पर ही समझ में आ जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, आइए इसका एक्सरसाइज करते हैं। मौखिक क्या है, शुद्धम उच्चारणम कुरु, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पूजित्वा, पूज धातु से कत्वा प्रत्यय है, लेकिन मैं इसका यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बताने जा रही हूँ। पूजित्वा, पूजितुम, तीर्थवा, तरितुम, कृत्वा, कर्तुम, क्रुदद्वा, क्रोधुम। ठीक है, उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत, उच्चारण करके अर्थ बोलिए। व्यायामस्य बहवे भेदाः सन्ति, व्यायाम के अनेक भेद हैं। छात्र जीव ने व्यायाम है परम आवश्यक है अस्ति, छात्र के जीवन में व्यायाम बहुत आवश्यक है। अध्यापकान नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि, अब देखो यहाँ पे पठामि आ रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे अपने आप ही लगाएंगे अहम। मैं शिक्षकों को नमस्कार करके ठीक प्रकार से पढ़ता हूँ। यम मम दिनचर्या अस्ति, यह मेरी दिनचर्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घ्रा जमा कत्वा, घ्रा तो एज इट इज लगेगा और कत्वा में का लोप हो जाएगा तो ये बनेगा घ्रात्वा, दिख रहा है ना सभी को, वापस करती हूँ, मैंने जूम कर दिया था। त्रि जमा तुमन, त्रि से क्या बनेगा, तरी,
क्या बनेगा, तरी तुम, तुमन में तुम शेष बचेगा, उनका लोप हो जाएगा, उ और ना का लोप हो जाएगा, तुम्हारा बनेगा तरी तुम। उपजम गम जम लेप उपगम्य, देखिए यहाँ पे कौन सा उपगम्य है, करेक्ट हमारा ये है, क्योंकि म आधा हो जाएगा, महालंत दे ही रखा है। सम जमा भू जमा लेप सम भू है, सम यानी कि म आधा आएगा, तो ये है भू एज इट इज आ गया, लेप में या आ गया, तो ये हमारा करेक्ट। ठीक है बच्चे, आप वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक्सरसाइज का, लेकिन आपको उतनी समझ नहीं आएगी स्क्रीनशॉट लेने में जितनी आपको समझने में आएगी। उदाहरणम अनुसृत्य धातुषु कत्वा तुमन प्रत्यम योजित्वा लिखत, दिए गए उदाहरण के अनुसार धातुओं में कत्वा तुमन प्रत्यय लगाकर लिखिए, यानी कि यहाँ पे हमें कत्वा प्रत्यय वाले लिखने हैं, यहाँ पे हमें तुमन प्रत्यय वाले लिखने हैं, यहाँ पे हमें कत्वा प्रत्यय वाले लिखने हैं और यहाँ पे तुमन प्रत्यय वाले। तो आइए देखते हैं पच से क्या बनेगा, पक्तवा, ये आप लर्न भी कर सकते हैं, कई बच्चे क्या बनाएंगे पचित्वा, तो ये गलत हो जाएगा, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते वो पचित्वा ही बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा पक्तवा, और तुमन से क्या बनेगा पक्तुम। लिख से क्या बनेगा लिखित्वा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं लिखितुम बना देते हैं, जबकि ये ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो जाती है तुमन प्रत्यय में, तो ये हो जाएगा लिखितुम। ठीक है, पट से पठित्वा, इट का आगम होता है इसलिए ई की मात्रा आगे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ली तो था ही, लिख ख से पहले आ गया इट का आगम, यानी कि ई की मात्रा का आगम, यहाँ पे क्या बना पठितुम। ओके, त्री जमा कत्वा क्या बनेगा तीर्थवा, देखिए तीर्थवा कैसे लिखेंगे, ती तीर्थवा, ये जो हमारा र है ना तीर, ये हमारा उछल के यहां चला जाएगा, क्योंकि ये आदत है, ये वे आ गया और आकी मात्रा आ गई, तो ये हमारा आगे उछल कर आ गया तीर्थवा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम उनसे तरी तुम। इस स्पेलिंग को थोड़ा सा आप टाइम कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। पा जमा कत्वा, बच्चे बनाते हैं पातवा, जबकि ये बनता है पीतवा। पा जमा तुमन, आपका वही बनेगा पातुम, यहाँ पे आपका पीतुम नहीं बनेगा, ध्यान रखना। क्री जमा कत्वा, क्री और कत्वा का क्या शेष बच रहा है त्वा, तो क्या बना कृत्वा। और क्री जमा तुमन कर तुम, अब देखो कर रा आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन रा नहीं आएगा, त आ जाएगा कर तुम, रा उछल कर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण अनुसारेण धातुषु ल्यप प्रत्यय योज्यत, अब हमें ल्यप प्रत्यय जोड़कर बनाने हैं। सम जमा रक्ष जमा ल्यप क्या बना, देखो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ, म का इन्होंने डॉट लगा दिया, स एज इट इज आ गया, र पूरा आ गया, श आधा दे रखे तो आधा आ गया, और ल्यप में या आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए निर्गम्य, यहाँ पे तो लिखा हमने ल्यप, अब निर्गम्य कैसे लिखेंगे, निर र आ गया, लेकिन र नहीं लगाएंगे हम, ग लिखेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे र, ये बन गया निर्गम्य, क्योंकि म आधा था, म आधा आ गया और लेप में यह आ गया। सम दृश्य, पहले यहाँ पे हम लेप प्रत्यय लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ऊपर डॉट लगा देंगे म की, हम आधा म भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, द्री श आधा और यह सम दृश्य। प्र जमा नम जमा लेप, प्र पूरा, ओ सॉरी यहाँ पे लेप प्रत्यय लगाएंगे पहले हम, यहाँ पे हो गया प्र, ना का अणा हो जाएगा, आधा म हो जाएगा और यह आ जाएगा लेप का। ठीक है, नेक्स्ट आया लेप प्रत्यय से आ एज इट इज आ जाएगा, दा भी आ जाएगा और लेप से क्या आ जाएगा य आ दाए। ओके, नेक्स्ट देखिए प्र जमा आप, तो ये क्या बनेगा प्र, सॉरी यहाँ पे लेप प्रत्यय लगाना है, प्र आ से आ की मात्रा, ये प आधा दे रखा है और लेप से या प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम साहित्य रिक्त स्थानानि पूरे, आइए इसके हम रिक्त स्थान पूरे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। डैश शरीर रक्षा आवश्यक की विद्यते, जीने के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या है जीने के लिए जीवितुम,
ये आ गया क में जीवितुम। जब भी आप पेपर में एग्जाम में अपने फिलिंग द ब्लैंक्स करो तो अपना टिक कर दो कि हम भर चुके हैं। दैनिक क्रियाभ्यास डैश व्यायाम, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर व्यायाम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया निवृत्त। सर्वेषां जनानां यथा योग्यम अभिवादनम कृत्वा वार्तालापम करोतु, करके अभिवादन करके। छात्र जीवने तु, क्या छात्र के जीवन में क्या आवश्यक है? व्यायाम, व्यायाम है। व्यायामस्य बहवः भेदः सन्ति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलनम कुरु, मिलान कीजिए। निर्गम्य, निर्गम्य का मतलब क्या होता है? निकल कर। तो हम राइट आंसर सामने लिखेंगे ताकि हमें इनको ये हमें याद हो जाए। उपगम्य, पास जाकर। प्राप्य, प्राप्त करके। राइट आंसर एक बार लिख के देखो अपने सामने और कितनी जल्दी लर्न होता है। प्रणम्य, प्रणाम करके। संपच्य, पकाकर। संरक्ष्य, रक्षा करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। एक पदे उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। प्राणी नाम मध्य कै श्रेष्ठ है अस्ति, प्राणियों के बीच में कौन श्रेष्ठ है? मानव है, मनुष्य है ना, तो हम मनुष्य ना लिख के मानव लिखेंगे क्योंकि मनुष्य जो है हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा और ये हमारा तत्सम। जीवितुम का आवश्यक ही विद्यते, जीवन में क्या आवश्यक है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? हमारी शरीर की रक्षा, तो यहाँ पे आ जाएगा शरीर रक्षा। व्यायामस्य कति भेदा सन्ति, बहुत सारे भेद हैं, तो बहवः। व्यायामेन कस्य शुद्धि भवति, व्यायाम से किसकी शुद्धि होती है? रक्तस्य, कस्य में आंसर दे रखा है तो रक्तस्य है। छात्र जीव ने किम आवश्यकम अस्ति, व्यायाम है। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट हम अनुवाद बनाना सीखेंगे। प्रत्ययनाम प्रयोगम कृत्वा संस्कृत अनुवादम कुरु, प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम की क्या हो जाएगी? खाना खाकर। अब हम की क्या होगी? वयम। खाना की क्या हो जाएगी? भोजनम। खाकर खादित्वा। आपने क्या करना है? खाने की धातु ढूंढनी है, खाद, और खाद जमा कत्वा खाकर, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? खाकर, पीकर, जाकर, कत्वा लय प्रत्यय से। विद्यालय जाएंगे, विद्यालयम। जाएंगे कौन सा टेंस है हमारा? फ्यूचर टेंस आ गया, लिरिट लगा तो गमिष्यामि है, वयम के साथ क्या आ जाएगा? गमिष्यामि है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं खेलकर पढ़ता हूं, मैं की क्या हो जाएगी? अहम। खेलकर, खेलित्वा, या आप क्रीडित्वा भी लगा सकते हो, लेकिन क्रीडित्वा में स्पेलिंग का ध्यान रखना। पढ़ता हूं पठामि। नेक्स्ट है वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो वह की क्या हो जाएगी? स। पढ़ने के लिए पठनाय, विद्यालय जाता है विद्यालयम। यहाँ पे हम द्वितीय क्यों लगा रहे हैं? विद्यालयम, यहाँ भी हमने विद्यालयम लिखा था क्योंकि जाने के उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आ गया गच्छति, क्योंकि स के साथ क्या आएगा? गच्छति एकवचन। तुम सब शिक्षक को प्रणाम करके पाठ पढ़ो, अब यहाँ पे क्या है? पाठ पढ़ो, तो यानी कि आज्ञा दे रहे हैं, और तुम सब की क्या होती है? यूयम। शिक्षक को, तो शिक्षकम, कर्ता ने कर्म को, शिक्षक को प्रणाम करके, अभी हमने लिखा था यहाँ पे प्रणाम करके प्रणम्य। पाठम,
पठक, यूएम के साथ क्या आ जाएगा, पठक, लोट लकार का, यहाँ पे कोई अलंत नहीं आएगा, ध्यान रखना। जीवन में व्यायाम परम आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, जीवने, जीवन में जीवने व्यायाम है, सेम वर्ड लिख दो, परम आवश्यक है, अस्ति। नेक्स्ट देखिए, व्यायाम के बहुत से भेद हैं, तो व्यायाम के, व्यायामस्य, बहवे भेदा संति, नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित विकल्प है, उचितम उत्तम चिन्ह, व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, दिस वन इज राइट, ये तो आप कर ही लोगे, रचनात्मक अभ्यास कत्वा तुमुन और लप से हमें बताने हैं कि ये जो पत्तियां गिर रही हैं इनको किससे मिलाना है, तो ये नेतुम हो गया, ये क्रीडित्वा हो गया, ये व्यस्य हो गया, इस तरह से ये आप कर लेंगे, कर लेना, जिसके पीछे य है वो लप प्रत्यय है, जिसके पीछे तुम है वो तुमुन प्रत्यय है, जिसके पीछे त्वा है वो कत्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं, परियोजना निर्माण कार्य में क्या है, व्यायाम के विभिन्न आसनों के चित्र को देखकर इनके नाम लिखिए, तो ये हमारा कौन सा आसन है, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम से हमें क्या फायदा होता है, जो हमें कोल्ड वगैरह हो जाता है या हमें कोई एलर्जी हो जाती है जिससे हमें छींकें नहीं रुकती, तो अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ये हमारी श्वास की नली को स्वच्छ रखता है। नेक्स्ट आ गया पद्मासन, इसमें हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना कंसंट्रेशन मेमोरी को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आया, वज्रासनम, वज्रासनम से क्या फायदा होता है, जब हम खाना वाना खाते हैं तो अगर हम इसको 10 मिनट बैठ जाएं खाना खाने के बाद, तो ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, तो ये हमारे बहुत काम का आसन है, लेकिन हम भूल जाते हैं ये सब करना, ठीक है, सिर्फ हम बुक्स में पढ़ते हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं, हम सभी नहीं कर पाते। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया, जल्दी ही मैं चैप्टर 9 लेकर आऊँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। कोशिश करूँगी कि जो आप कमेंट देते हैं कि आप ये चैप्टर डाल दीजिए, मैं ज़रूर डालूँगी, जल्दी से जल्दी डालूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो ओके चिल्ड्रन, अच्छे से लेसन पढ़िए, 2 बारी पढ़िए, 3 बारी पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।